नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एसिडिटी गैस से परेशान है? आप मसालेदार खाना खाते हैं, पेट में जलन शुरू हो जाती है, खट्टी खट्टी डकारें शुरू हो जाती है, इन सब से आप बहुत परेशान हो जाते हैं, परंतु क्या करें भैया, जीभ का नखरा ही कुछ ऐसा है कि अगर खाना चटपटा नहीं हो तो खाया भी नहीं जाता। और अगर बात करें मसालों की तो भैया कहीं ना कहीं सभी मसालों में मिलावट है। बिना मिलावट के तो आजकल कारोबार चलता नहीं। तो दोस्तों, मिलावट वाले मसालों से हो जाइए सावधान, और इन सभी प्रकार की मिलावटी मसालों चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है। ये आप देख सकते हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि ये पौधा आपके घर पर है तो ना तो कोई गरम मसाले की ज़रूरत है, ना कोई लौंग इलायची की ज़रूरत है, सब कुछ आपको इस एक पौधे में मिल जाएगा। शायद आप हैरान हो गए होंगे। दोस्तों, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये पौधा ही ऐसा है कि सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। अब आपको शायद लगता होगा कि ये तो तेज पत्ता है, परंतु मेरे दोस्त, ये तेज पत्ता नहीं है। दोस्तों, तेज पत्ते में सिर्फ एक ही क्वालिटी होती है, मगर इसमें लौंग इलायची धनिया तेज पत्ता दालचीनी काली मिर्च इन सभी की क्वालिटी आपको इस एक ही पौधे में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आइए हम आपको पहले बता देते हैं कि तेज पत्ता और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है और कैसे इस्तेमाल करेंगे हम इसको, और कितना अधिक फायदेमंद ये हमारे लिए हो सकता है। इसके बाद इसका नाम भी बताएंगे और प्रॉपर लगाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, ताकि मात्र एक ही पौधा लगाकर सभी मसालों की आप छुट्टी कर सकते हैं। यानी आपकी रसोई में आज से मिलावटी मसालों का प्रवेश हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो दोस्तों, बात करते हैं आगे मुद्दे की। आपने सोचा होगा तेज पत्ता, लेकिन ये देखिए, ये है तेज पत्ता और ये देखिए, ये है पौधा जिसे ऑल स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ऑल स्पाइसेस। दोस्तों, नाम से ही साफ साफ पता चलता है, ऑल स्पाइसेस मतलब सभी मसाले, और कई बार लोग इसे मिर्च मसाले का पौधा भी बोलते हैं। परंतु यहाँ ये तेज पत्ता, आप तेज पत्ता और ऑल स्पाइस में कितना फर्क है यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं। अब दोस्तों, इसको लगाने का तरीका और साथ ही इसके उपयोग का तरीका भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिट्टी का फर्क है, क्योंकि ये पौधा हर किसी मिट्टी में नहीं होता। अगर इसको सही मिट्टी नहीं मिले तो ये बढ़ नहीं पाता, क्योंकि ये ऐसी ही जगह का पौधा है। अब इसको लगाने का, खाने का व इस्तेमाल करने का तरीका, यानी कहाँ कहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तरीका हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसे लगा लेते हैं, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी अलग है बाकी पौधों से हटकर। इसके बाद में हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या फायदे ये हमारे शरीर को दे सकता है। तो दोस्तों, ये मिट्टी हमने ली है और आप इस पौधे को कम से कम 10 इंची चौड़ाई वाले गमले में लगाइए। आप चाहे तो 10 इंची से ज़्यादा बड़ा गमला ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब मान लीजिए आप सोच रहे होंगे, इतने बड़े गमले में ही क्यों? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमें इसके पत्तों का इस्तेमाल करना है, जिस प्रकार हम कड़ी पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पत्तों के लिए हमें बड़ा गमला इस्तेमाल करना है।
तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक गमला लेना है। गमले के नीचे बॉटम में यानी पेंदे में एक होल यानी छेद का होना आवश्यक है। आपको इस होल पर एक ठीकरी रख देना है या एक ईंट का टुकड़ा रख देना है ताकि होल बंद हो जाए, यानी पूरी तरह बंद नहीं करना है, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पानी को निकालता है और मिट्टी को रोक कर रखता है। बस इसके लिए अब आपको मिट्टी कैसी लेनी है, वैसे तो इसके लिए काली मिट्टी होती है, लेकिन दोस्तों लगाने से पहले इसकी सेफ्टी की बात करते हैं। तो यदि आप इसमें अधिक मात्रा में पानी डालेंगे तो ये पौधा मर सकता है, इसलिए जब तक गमले की मिट्टी सूखे नहीं तब तक इसमें आपको पानी नहीं डालना है। तो इसके लिए आपको किस प्रकार की मिट्टी लेनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको वेल्ड्रिन सॉइल लेना है, क्योंकि हमें तो घर में लगाना है तो हमें वेल्ड्रिन सॉइल लेना है जिसमें पानी अंदर तक जाएगा और नीचे निकल जाएगा। अब दोस्तों आपको इस मिट्टी में कैल्शियम पाउडर थोड़ा सा डालना है, यानी लगभग आधा किलो हमें इसमें कैल्शियम पाउडर मिलाना है। कैल्शियम पाउडर डालने के बाद इसको फंगस ना लगे तो हम इसमें लगभग दो मुट्ठी नीम कली मिला लेंगे। तीसरी चीज़ हमें इसमें गोबर खाद या लीव कंपोज मिला लेना है। लीव कंपोज आप अपने आसपास गिरे सभी प्रकार की वनस्पति के पत्तों से बना सकते हैं, यानी सभी प्रकार की जो वनस्पति के पत्ते होते हैं उसकी आप खाद बना सकते हैं, उसे लीव कंपोज कहते हैं, जिसमें अलग अलग पौधों के अलग अलग न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे। तो आपको 5-6 मुट्ठी लीव कंपोज इसमें मिला लेना है। अब इन सभी को अच्छे से मिश्रण करना है, यानी मिला लेना है। अब आपको इस पौधे को इस मिट्टी में लगा लेना है। अब पौधा लगाने के बाद आपको इसमें पानी 1 लीटर डालना है। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों इसका इस्तेमाल का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, आसान है, यानी साधारण है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिनके गले में दर्द है, खराश की समस्या है, खांसी आती रहती है, उन सब के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है आपको इस पौधे के पत्तों का यूज करना है। ध्यान रहे ऊपर के पत्तों का यूज नहीं करना है, क्योंकि ऊपर के पत्ते है वो मैच्योर नहीं है, नीचे के पत्ते बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं। अब आपको एक पत्ता लेना है और पत्ते को साफ पानी से धो लेना है। इसके बाद जैसे हम पान खाते हैं, मीठा पान या जो भी पान खाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस पत्ते को फोल्ड करना है और धीरे धीरे चबाना है, चबा चबा कर इसका रस का सेवन करना है, यानी चूसना है या पीना है। दोस्तों आपको चाहे कितनी भी खांसी क्यों ना आ रही हो, गले की कितनी बड़ी खराश क्यों ना हो, मात्र सिर्फ 15 मिनट में ठीक हो जाएगी। कई बार हमें सर्दी जुकाम लग जाती है और हम दवाइयों का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन इस एक पत्ते को थोड़ा हल्का मसल कर सूंघने से आपके बंद नाक खुल जाएंगे बिना किसी नुकसान के। कोई भी केमिकल्स नहीं है, ये पौधा पूरी तरह से नेचुरल है, प्राकृतिक है। चाय में, दूध में आप उबाल कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दी जुकाम गले की खराश बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये तो बात हुई दवाई के तौर पर इसका उपयोग, और अब आते हैं मेन मुद्दे पर। हमने जैसे बात की कि नकली एवं मिलावटी मसालों से ये कैसे बचा सकता है, तो आपको ऐसे मसालों का सेवन नहीं करना है जिससे एसिडिटी गैस बनता है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके घर में 3-4 लोगों के लिए सब्ज़ी बनती है, तो आपको 4 पत्ते तोड़ने,
यानी एक मेंबर के हिसाब से आप एक पत्ता ले सकते हैं और इन पत्तों को तेल में हल्का हल्का भून लेना है, यानी ब्राउन जैसा हो जाना चाहिए। ब्राउन कलर के पत्ते हो जाए तब तक आपको भूनना है, यानी तेल में इसे तल लेना है। और फिर आप इसमें सब्जी बना लीजिए, जैसे सभी प्रकार की सब्जियां बनती है। मान लीजिए आपने सारे मसाले डाल दिए, ठीक है, अब आप अपनी सब्जी को फ्राई कर सकते हैं, पानी डालकर बॉईल कर सकते हैं, जैसे भी आप बनाते हैं आप सब्जी बना लीजिए। आपको किसी भी प्रकार के मसालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो पैसे की बचत, ऊपर से शरीर फिट और किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं आएगी, जो मसालों के सेवन से हमें अक्सर हो जाती है। तो आपको आज ही इस पौधे को अपने घर में लगा लेना है और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। साथ ही इस वीडियो को सबके साथ शेयर अवश्य कर देना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।